आओ रजनिया, हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, अरे राकेश तुम भी चलो ना अंदर, कुछ सीख लो। आओ। अरे नहीं नहीं दीदी, अभी आप रजनी को ही लेकर जाएं। इनको शर्म आ रही है। अरे किस बात की शर्म। अच्छा चलो ठीक है, लो तुम मेरे मोबाइल से देख लो। लो बेहतर कल की शुरुआत आज ही करनी चाहिए। परिवार बढ़ाने से पहले ही परिवार नियोजन की बातें जान लोगे तो आगे चल के और फायदा होगा। तो रजनी वीडियो देखी? हाँ। तो राकेश? बिल्कुल समझ गया दीदी, परिवार नियोजन की जानकारी एक खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। रजनी और राकेश जैसी कोई इक्का दुक्का मिसालें थोड़ी ही हैं। उनकी तरह ही बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा और असम के भी बहुत से नौजवान जोड़े आज अपने घरों में ही आसानी से परिवार नियोजन, जच्चा बच्चा की सेहत और पोषण के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इन संदेशों का अब तक 19 लाख लोगों तक पहुंचना हमारी कामयाबी की सुनहरी दास्तान को बयान करने के लिए काफी है। प्रोजेक्ट संवाद के जरिए बनाए गए वीडियो की वजह से समाज की तरक्की की कुंजी माने जाने वाले इन विषयों के बारे में लोगों में जानकारी बढ़ी है। इसका असर समाज के रवैये में आए बदलाव के तौर पर भी नजर आ रहा है। डिजिटल ग्रीन का प्रोजेक्ट संवाद ऐसा एक सामाजिक पहल है जिसके जरिए हम कम्युनिटी वीडियोस के माध्यम से लोगों तक स्वास्थ्य, पोषण और परिवार नियोजन की जानकारी और शिक्षा पहुंचा रहे हैं। लता दीदी, ये तो सच है कि प्रोजेक्ट संवाद के इन वीडियोस के जरिए लोगों तक जच्चा बच्चा की सेहत, पोषण, परिवार नियोजन ये सब आसानी से पहुंचा सकते हैं जानकारी, और ज्यादा असर भी करेगा। लेकिन दीदी, क्या हम भी आप लोगों की तरह इतना अच्छा वीडियो बना पाएंगे? बिल्कुल उषा, आज वीडियो प्रोडक्शन की ट्रेनिंग में हम भी यही सीखेंगे कि कैसे स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, उसके बाद कैमरे से कैसे शूटिंग करते हैं, और फिर उसकी एडिटिंग हम कैसे करते हैं, और एडिटिंग जब हो जाएगी तो इसका वीडियो बना करके हम लोगों तक इसकी जानकारी देते रहेंगे। बहुत जल्द ही तुम ये सब सीख करके और एक अच्छी सी वीडियो बना लेना, और खुद की बनाई हुई वीडियो से लोगों को जानकारी देते रहना। तुम फिक्र ना करो। जी दीदी। दीदी लोग समुदाय के लोगों को जागरूक कर रही हैं, जिससे कि समुदाय के लोग माँ एवं शिशु पोषण एवं स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन संबंधित व्यवहारों को अपने रोजमर्रा के जिंदगी में अपनाना जरूरी समझ सकें। ये किसी कोर्स की क्लास तो नहीं है, अलबत्ता इसे आप चाहें तो एक सामाजिक क्लास का नाम जरूर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सामुदायिक वीडियो बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसकी बदौलत हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी और स्थानीय लोग मिलकर इन वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखना, इनकी शूटिंग करना और इन्हें बनाना सीख रहे हैं। इस तरह अब तक तकरीबन 5000 से ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी वीडियो बनाने और उन्हें प्रसारित करने का गुर सीख चुके हैं। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इन वीडियो से परिवार नियोजन, जच्चा बच्चा की सेहत और पोषण की जानकारी बिल्कुल नए और रोचक अंदाज में लोगों तक पहुंचाई जाती है। हर दर साल जैसे जैसे हमने अलग अलग ट्रेनिंग और वर्कशॉप में हिस्सा लिया, हमारे और हमारी जैसी दूसरी सहिया कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ता गया। वीडियो की क्वालिटी और हमारे स्वास्थ्य संदेश बेहतर होते गए। इन बिल्कुल ही स्थानीय घटनाओं पर बनी वीडियो की खास बात यही है कि यह हमारे ही आसपास रहने वाले समुदायों के जरिए, उन्हीं के जरिए पहचान की गई समस्याओं पर उन्हीं की स्थानीय भाषा में और उन्हीं के क्षेत्र में शूट की जाती है। और यही वजह है कि जब कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया थम सी गई थी, तब भी इन्हीं वीडियो के जरिए परिवार नियोजन, जच्चा बच्चा की सेहत और पोषण की अहम जानकारी लोगों तक पहुँचाती रही। कोविड-19 की पहली लहर का जो दौर था वो एक अभूतपूर्व समय था। डिजिटल ग्रीन ने उस दौरान एक क्रांतिकारी निर्णय लिया, और वो निर्णय ये था कि हमारे पास इन विषयों से जुड़ी जो वीडियोज़ हैं, हम उनको कस्टमाइज करेंगे, उनका आकार छोटा करेंगे और उन तक पहुंचाएंगे। यकीन मानिए, हम लोगों ने न केवल इन वीडियोज़ को उन तक पहुंचाया, बल्कि इसका बहुत फ़ायदा उनको मिला। हमारा मानना है कि इस प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद भी फ्रंटलाइन फंक्शनरीज और समुदाय मिलकर नए वीडियोस का निर्माण करता रहेगा और इन वीडियोस को समुदाय में प्रसारित करता रहेगा। इस तरीके से जो जागरूकता का काम हमने शुरू किया था इस प्रोजेक्ट में, वो कंटिन्यू रहेगा।
रजनी, राकेश, जो भी तुमने परिवार नियोजन के बारे में जाना समझा, क्या दूसरों को भी बताना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? एक वीडियो ने हमारी जिंदगी बदल दी, इसने हमें उम्मीद दी, इसने हमें परिवार नियोजन कर ये फैसला लेने की राह दिखाई कि हम बच्चा तभी पैदा करें जब इसके लिए तैयार हो। आशा दीदी और उनके वीडियो से हमें सीखने को मिला कि हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, जिंदगी के डगर पर साथ चलते हुए कुछ पैसों की बचत भी करनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चे का पालन पोषण बेहतर ढंग से कर सकें। हमने न केवल अपने परिवार के आने वाले कल को संवारा बल्कि उसे दिशा भी दी। इसके लिए हम प्रोजेक्ट संवाद का जितना भी धन्यवाद करें वो कम ही है।